हेलो राधे राधे, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। सुबह सुबह का टाइम है और झाड़ू पोछा मैंने कर दिया है और बड़ा वाला बेटा गए हुए पेपर देने के लिए, तो पति देव से छोड़ने गए। और कल संडे हो तो मतलब आराम करते रहे सारा दिन, बस तो बहुत सारा कामों पर गर्मी के मार घर से बाहर निकलो मुश्किल है वो, तो पूरे दिन बच्चा और हम सब जने अंदर ही रूम में ही रहे। और अब गए बड़े वाले बेटा को पेपर दिलाने के लिए, जो उसका टेस्ट है। टेस्ट तो ये है कि वो यूनिवर्सिटी में दाखला, अगर वहाँ को सिलेक्शन आया तो शायद यूनिवर्सिटी में आ जाए उसका, नहीं तो एक साल उसे ड्रॉप लगवाएंगे, उसके बाद देखेंगे। तो इसलिए मन की चलो कोई बात नहीं है, तो अब मैं मन की चलो थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि बहुत पुरानी बात है, ये इससे 20 साल के करीब। तो हम जब 8-10 साल के, तो हमें इतनी जानकारी नहीं, नॉलेज नहीं होती। तो एक बार मतलब गांव में गन्ने का खेत उजाड़ रहे थे, वो कुछ दूसरी फसल लगा रहे होंगे इसलिए उन्हें खेत उजाड़ रहे थे। तो पूरे मोहल्ला में कह दी उन्हें कि गन्ना ले आओ वहाँ से। तो हमारे पापा मम्मी कहीं हमें जाने नहीं लें, तो हम चारों बहन भैया को कहीं पर नहीं जाने दें। तो हम भी बच्चन के संग बच्चा बन गए, और बच्चा तो होता ही है वह टाइम पर। तो हम चले गए संग में और गन्ना के खेत में, तो सब जने अपनी अपनी गड्डी बना रहे। और वैसे हमारे यहाँ कोई बच्चा घर के बाहर मतलब कभी खेत पर ना जा सके, क्योंकि अब दूसरे के यहाँ पहले टीवी भी इतनी नहीं, तो हम टीवी भी ना किसी के यहाँ देख सकें, तो हम टीवी भी ना देख भी जानते किसी के यहाँ। तो एक बार हम गन्ना ले भी चले गए, तो किसी ने हमारे घर पे आके बता दिया कि तुम्हारे बच्चे अत गए गन्ना ले भी गए और उसके खेत में गए। और भैया हम गन्ना तो ले भी चले गए, तो चारों बहन भैया है जो पापा ने हमको देखो माँ, तो एक गन्ना उठाया खेत में, तो दह गन्ना कभी टांग पे कभी कमर पे, मतलब हम चारों बहन बहन की इतनी भयंकर धुलाई हुई कि कुछ पूछो मन। और फिर यह है कि जो हमारी हकीकत बात है, अड़ोस पड़ोस मोहल्ला वाली हमारी चुगली हमारे घर में जाके करता है। तो हमारे पापा ने हम इतनी मारे चारों बहन भैया, किसी के पैर में नील पड़वा, किसी की कमर में नील पड़वा, हमारे संग इतनी धुलाई हुई कि कुछ पूछो मत। तो कान घंटा दे लो बाद नाते हमने चारों बहन भैया ने आते अंदा किसी के यहाँ किसी के खेत पर बिना पूछे मम्मी पापा के बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो चारों बहन भैया आज भी उनके बिना पूछे कहीं जाना है। अब तो शादी हो गई, चलो शादी के बाद बहुत कछु अपना अपनी ज़िंदगी यहाँ पर बदल जाते हैं, पर फिर भी अब भी हमारे बहन में है कहीं बाजार घाट जाना हो तो पूछ के जाना मम्मी मैं माँ जा रहा हूँ या पापा मैं माँ जा रहा हूँ, तो बता के जाना। और इतनी धुलाई भई भैया नीले पीले करके डाल दे, तो हमें बाद में पता चली कि उसकी पिताजी ने हमारे घर में आके चुगली करी कि तुम्हारी बच्चा माँ गए। बाद ना की बात आ जाएगी, अभी तक ये बात याद है तो मैंने कि चलो याद है ये बात मुझे, तो मैंने कि आप सभी को बता देती हूँ। हमारे संग तो ऐसा कांड हो गया कि कुछ पूछा मत। तो आते ना किसी के न खेत में जानो न कहीं जानो, भाई ऐसे गन्ना ना खाने जो अपने शरीर ही तुरवाले हुए गन्ना के खेत थे। तो प्लीज़ अपने घर वाले ने पूछे बिना मत जाना, हमारे संग तो ऐसा हो चुका है, आपके संग कभी न हो। ओके बाय।